सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड ओपी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 25 मई को आप अपने फ्री फायर को कैसे अपडेट करेंगे, यानी दोस्तों अपडेट होने के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाएगा, कौन सा नया गोल्ड रॉयल बंडल आएगा, कौन सा नया वेपन आएगा, कौन सा नया कैरेक्टर आएगा, हमारा नेक्स्ट ईवो गन कौन सा रहेगा, क्लेश को रैंक सीजन 13 में आपको कौन सा रिवार्ड मिलने वाला है, एंड और भी बहुत सारे क्या क्या चेंजेस किया गया है वो सब कुछ डिटेल इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है। एंड गाइस भरोसा रखिए, इस बार गरेना फ्री फायर वालों ने बहुत ही ज्यादा ओपी ओपी तरीके के अपडेट दिए हैं, जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाने वाला है। तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाले है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करते हुए शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, करीबन 5:30 बजे के बाद आपका फ्री फायर ओपन होगा। एंड गाइज आप अपने फ्री फायर मैक्स को प्ले स्टोर से अपडेट कर लेंगे। रही बात फ्री फायर नॉर्मल की, उसको कैसे अपडेट करना है मैं आगे आपको बता दूंगा। और जैसे ही दोस्तों अपडेट करके आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला लॉबी दिखाई देगा। ये वाला लॉबी दोस्तों हमारा नेक्स्ट अपकमिंग वेब इवेंट आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट अपकमिंग अपडेट के बारे में, तो इसको देख के तो आपका दिल खुश हो जाने वाला। जी हाँ दोस्तों, अब रहेंगे लॉबी में 4 की जगह 5 बंदे। हालांकि दोस्तों ये नए मैप में बॉम्ब स्क्वाड के अंदर आएगा, जिसको आपको खेलने का पसंद नहीं, बट गाइस 4 की जगह 5 बंदे को रख के आप इजीली बात कर सकते हो। गाइस ये वाला अपडेट मेरे को तो ओपी लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपकमिंग अपडेट के बारे में, बट उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, क्या आप भी मेरी तरह फ्री डायमंड और रिडीम कोड लेना चाहते हो? तो आइए दोस्तों एक मस्त ट्रिक बताता हूं, इसके लिए आपको कोई वारी बस। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, इसको देख के आप खुश हो जाएंगे गाइस। यानी क्लेश कोड और क्लेश कोड रैंक में जैसे दोस्तों आप हीरो में पहुंचोगे तो आपको हीरो वाला भी इमोट मिलेगा, और मास्टर में आप पहुंचोगे तो मास्टर वाला इमोट मिलेगा, एंड साथ ही साथ आपको ट्रायल गन भी मिलेगा। गाइस मेरे को तो बहुत ही ज्यादा ओपी लगा, बट गाइस ये वाला परमानेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा 40 दिनों के लिए। गाइस आपको ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल के बारे में, तो यहां पे दोस्तों देख लीजिए नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल आएगा, मूजू बंडल। गाइस हालांकि दोस्तों इसका मेल बंडल भी है, बट इंडियन सर्वर के अंडर ये वाला फीमेल बंडल आएगा। ठीक ठाक ही है, बट फ्री में मिल रहा है इसलिए अच्छी बात है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, गाइस यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि दोस्तों आप क्लेश कोड रैंक वगैरह गेम खेलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि आपने लेवल 2 या फिर 3 का वेस्ट हेलमेट लिया तो आप फाइट लेते हैं, फिर टूट जाता है, तो आप बाहर लॉबी में आके क्या करते हैं, या तो रिपेयर किट से उसको रिपेयर करेंगे या फिर नया लगे। बट गाइस अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको अपग्रेड, यानी दोस्तों यहाँ से अपडेट हो जाएगा। गाइस मेरे को तो बहुत ही ओपी लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट से कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में, तो यहाँ पे गाइस देख लीजिए कैरेक्टर लिंक वाला अपडेट आया है, जिसके अंदर आप दूसरे कैरेक्टर जिसको भी आप लिंक करोगे उसे क्या होगा कि आप गेम खेलने जाओगे तो वो वाला भी साथ ही साथ अपग्रेड हो जाएगा। पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर अपग्रेड होता था, बट यहाँ पे आपको इन गेम मिशन दिया जाएगा, जैसे आप मिशन को कंप्लीट करोगे तो वो वाला भी अपग्रेड हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं क्लेश को रैंक सीजन 13 में आपको कौन सा रिवार्ड मिलने वाला है, तो दोस्तों उसमें आपको मिलने वाला है द गोल्डन M40, जिसका एट्रीब्यूट डैमेज सिंगल प्लस है और मैगजीन सिंगल प्लस है। जैसे ही दोस्तों आप गोल्ड 3 में रीच करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए एयर ड्रॉप का इफेक्ट को चेंज किया गया, जिसके कारण आप कितनी भी दूरी पे हो आपको आसानी से दिखाई देगा कि एयर ड्रॉप कहाँ पे गिरा है। फिर दोस्तों बात करते हैं न्यू पेट के बारे में, तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए नया वाला पेट का नाम रहे फाइन पेट। अगर गाइस इसका आप एबिलिटी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी गाइस बात करते हैं न्यू कैरेक्टर के बारे में, तो दो नए कैरेक्टर के आने वाले हैं, एक मेल का कैरेक्टर है और एक फीमेल का कैरेक्टर है। फीमेल का कैरेक्टर जो हमारा फ्री फायर एक्स अनीता के साथ कोलैबोरेशन किया उसके अकॉर्डिंग आएगा, जिसका एक अलग से इवेंट आएगा। और मेल का कैरेक्टर का गाइस मेरे को तो बंडल बहुत ही ज्यादा ओपी लगा। गाइस अगर आपको पेट और ये दो कैरेक्टर का एबिलिटी जानना है तो
कमेंट कीजिएगा, इसका अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। फिर दोस्तों बात करते हैं हमारे अपकमिंग वेब इवेंट के बारे में। तो गाइज यहाँ पे देख लीजिए, हमारा नेक्स्ट अपकमिंग वेब इवेंट आने वाला है रैमपेज 4.0 वाला, जिसके अंदर गाइज आपको ये वाला ईवो बंडल भी देखने को मिल जाएगा एंड और भी बहुत सारे रिवार्ड मिलेगा, जिसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एंड आप सभी को फुली डिटेल में समझा दूंगा। आगे बढ़ते न्यू गन के बारे में। तो गाइज नया स्नाइपर गन आने वाला है M24। गाइज इसका गेम प्ले देख सकते हो, मेरे को तो बहुत ही ओपी लगा एंड और भी आपको देखना डैमेज शॉट कितना, हेडशॉट कितने देता है, आप कमेंट कीजिएगा, इसका अलग से वीडियो लाऊंगा एंड आपको बता दूंगा। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट इवो गन के बारे में। तो गाइज यहाँ पे देख लीजिए, हमारा नेक्स्ट इवो गन रहेगा M4A1 गन। हालांकि दोस्तों फार्मर्स गन MP5 गन आने वाले थे बट पता नहीं आएंगे कि नहीं, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा चांस M4A1 गन का है। फिर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए A1-4 कैरेक्टर है, उसका पूरा एबिलिटी चेंज कर दिया, यानी दोस्तों ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड जनरेट करेगा, तो सामने वाले का जो भी स्किल है वो उसको काम नहीं आएगा, यानी दोस्तों उसके पास डीजे आलोक है या फिर मेडिकेट लगा रहा है, रिवाइव कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। गाइज मेरे को ये वाला अपडेट बहुत ही ओपी लगा, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं स्टेफी कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में। स्टेफी कैरेक्टर भी एक ऐसा शील्ड बनाएगा जिसके अंदर कोई ग्रेनेड वगैरह करता है तो उसका डैमेज नहीं लगेगा एंड आपका वेस्ट एंड हेलमेट ऑटो रिपेयर होगा, यानी दोस्तों पूरे टीममेट को ये काम आएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं वेपन बैलेंसिंग के बारे में। तो यहां पे देख लीजिए VSS एंड कार 98 के ये वाले दोनों को डाउन किया है एंड स्कार गन को अपग्रेड किया है। अभी मैंने अपने दोस्तों के साथ खेला और देखो उसके पैसे भी आ गए। आप भी कैश डिपॉजिट करके लाखों जीत सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी साइन अप करो और नोटिफिकेशन को याद से ऑन कर लेना। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा अपडेट अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड दोस्तों रही बात फ्री फायर नॉर्मल को अपडेट करने की, तो फ्री फायर का जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा, लिंक दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करेंगे तो हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आशा रखता हूं कि आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है या फिर इसमें समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली ऐसी नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।